फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक एंटीवायरस कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे एक एंटीवायरस बना सकते हो अपने लैपटॉप के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए, ताकि आपके डेटा सेफ रहे और उसके अंदर कोई वायरस आ जाए तो उसे आप कैसे रिमूव कर सकते हो उस एंटीवायरस से। आइए देखते हैं कैसे क्रिएट होता है एक एंटीवायरस। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आइए चलो क्रिएट करते हैं अपना एक एंटीवायरस। @echo off टाइटल डालना है आपको। टाइटल क्या आपका एंटीवायरस का, वायरस। ठीक है, उसके बाद बाय BLG टैग एजुकेशन। ठीक है, हमने एक टाइटल दे दिया, उसके नीचे ठीक लिखा हमने इको इको एंटीवायरस। ठीक है, ठीक, उसके नीचे फिर से इको, फिर से उसके नीचे इको अपने उसका स्कैनिंग प्रोसेस चलेगी फिर। ठीक है, सेम इसी को कॉपी कर दीजिए आप इसी लास्ट लाइन को यहाँ पर। करने के बाद इसका एंटर करके कॉलन स्टार्ट करने के बाद इफ यदि एग्जिस्ट कर रहा हो, एग्जिस्ट हो वायरस फाइल, अगर एग्जिस्ट कर रही हो आपके कंप्यूटर के अंदर, तो गो टू इन्फेक्टेड। ठीक है, इफ यदि नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही हो तब जो होगा ये वायरस फाइल नॉट एग्जिस्ट होगी, तो वायरस नॉट एग्जिस्ट होगी तो वायरस डॉट बैड जो फाइल होगी, और नहीं होगी तो गो टू क्लीन हो जाइए। ठीक है, सीडी मतलब कमांड जो होगी हमारी वो सी ड्राइव की कमांड जो होगी सी ड्राइव की, उसके अंदर ओपन है आपका विंडोज डेस्क सिस्टम 32। ठीक है, सिस्टम 32, उसका कॉलम इन्फेक्टेड इको वार्निंग मिल जाएगा। वार्निंग, ठीक है, वायरस डिटेक्टेड। डेल वायरस डॉट बैड फाइल डिलीट हो जाए आपकी। ठीक है, इसके बाद पॉज हो जाए ये। नेक्स्ट गो टू स्टार्ट, स्टार्ट हो जाए कॉलन सीएल क्लीन हो जाए। ठीक है, इको सिस्टम को प्रोटेक्टेड प्रिंट हो जाए। प्रोटेक्टेड, जब सिस्टम प्रोटेक्टेड लिख के आ जाए आपका ये प्रिंट हो जाए,
उसके बाद हमारा जो फाइल हुआ वो पॉज हो जाए, सिस्टम की स्क्रीनिंग वगैरह ठीक है, उसके बाद हमारा एग्जिट हो जाए, हम वहाँ से एग्जिट हो जाए ठीक है। इस फाइल को कर दिए सेव। एंटीवायरस एंटीवायरस और डॉट बैट फाइल में आप सेव कर सकते हैं ठीक है। सेव हो गया, अपनी उसी जगह बजाई यहाँ पर हमने सेव करी फाइल को। सिस्टम प्रोटेक्टेड। डियर फ्रेंड्स, ऐसे होता है कोई भी एंटीवायरस क्रिएट ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे एंटीवायरस कैसे क्रिएट होता है। इसके एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ उसको ठीक है। इको ऑफ एक कमांड है ठीक है, इसमें हमने टाइटल दे दिया एंटीवायरस जो कि क्रिएट किया गया है बेल डेकोरेशन द्वारा। इको पेंट जो होगा, इको मतलब होता है पेंट, यहाँ पर यहाँ पे इको का मतलब होता है प्रिंट करना ठीक है। तो प्रिंट हो जाए हमारा एंटीवायरस, उसके बाद प्रिंट हो जाए स्कैनिंग, स्कैनिंग चलेगी तो प्रिंट होता है ठीक है। उसके बाद स्टार्ट, स्टार्ट हो गया। इफ यदि एग्जिस्ट वायरस डॉट बैट फाइल एग्जिस्ट होगी यहाँ पर तो फिर वो इन्फेक्टेड दिखाएगा हमें ठीक है। इफ नॉट, अगर नॉट एग्जिस्ट होगी वायरस डॉट बैट फाइल आपकी सिस्टम में तो वो क्लीन कर देगा उसे ठीक है, और हमारी विंडो निकल कर जाएगा अगर अगर होगा तब तो, ठीक है। अगर इन्फेक्टेड होगा, इन्फेक्टेड अगर होगा तो कमांड ये चालू हो जाएगा कि इन्फेक्टेड वार्निंग वायरस डिटेक्टेड, और वायरस फाइल को डिटेक्ट बैड फाइल को हटा देगा ठीक है, डिलीट कर देगा और रुक जाएगा वहाँ पर। अब वो टू स्टार्ट, दोबारा से स्टार्ट होगा, क्लीन कर देगा उसे जो आपकी वायरस फाइल होगी ठीक है। उसके बाद दिखा देगा आपको सिस्टम प्रोटेक्टेड और रुक कर एग्जिट रहेगा वहाँ से ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेसिंग होती है, मतलब कि जब अगर वायरस फाइल होगी तो इन्फेक्टेड दिखाएगा आपको, और इन्फेक्टेड एक फंक्शन है जो कि यहाँ से वर्क करेगा वो आपका ठीक है। उस फाइल को हटाकर आपको क्लीन सिस्टम दे देगा और प्रिंट करा देगा सिस्टम प्रोटेक्टेड। अगर वायरस फाइल नहीं होगी तो यहाँ पर वैसे ही दिखा देगा वायरस फाइल नॉट एग्जिस्ट और क्लीन कर देगा, क्लीन के बाद आपका येलो फंक्शनल हो जाएगा ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल and share it with your friends. Thank you, friends.